और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही सबसे पहले फूलचंद जी पनीर का स्वाद लिए हैं और शंकर जी बहुत बड़ी बाइट का प्रयोग किए हैं बिना ग्रेवी का। बहुत गजब। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन एक्सल पावर लगाता है और 1100 रुपए की राशि कौन लेकर जाता है। और यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले कौन इस थाली को खाली करता है और 1100 रुपए। चैलेंज में दोनों चैलेंजर थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं। ढीले नजर नहीं आ रहे, एक्सल पावर लगा। राइजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटर पनीर और चावल रखा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मटर पनीर और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है और यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटर पनीर और राइस लगा हुआ है, तो आज हमारा मटर पनीर राइस ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में शंकर जी और फूलचंद जी बैठ चुके हैं और दोनों चैलेंजरों में जो भी फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 1100 रुपए का पुरस्कार। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में सबसे पहले कितने मिनट कितने सेकंड में कौन फिनिश करता है और 1100 रुपए की राशि कौन लेकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो बहादुर बैठ चुके हैं चावल और पनीर से झगड़ा करने के लिए, मतलब चैलेंज लेने के लिए बैठ चुके हैं दो बहादुर। तो देखना है कि सबसे पहले कौन फिनिश करता है और 1100 रुपए की इनाम लेकर जाता है। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए। शुरू हो जाए भैया। और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही सबसे पहले फूलचंद जी पनीर का स्वाद लिए हैं और शंकर जी बहुत बड़ी बाइट का प्रयोग किए हैं बिना ग्रेवी का। बहुत गजब। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन एक्सल पावर लगाता है और 1100 रुपए की राशि कौन लेकर जाता है। और यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले कौन इस थाली को खाली करता है और 1100 रुपए। चैलेंज में दोनों चैलेंजर थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं। ढीले नजर नहीं आ रहे, एक्सल पावर लगाते हैं जो ये चैलेंजर ऐसे हैं जो एक्सल पावर लास्ट में लगाते हैं और बहुत बहादुरी दिखाते हैं। बहुत गजब, बहुत अच्छी कोशिश है। और फायर चंद जब फायर चला देते हैं तो किसी का मान का नहीं रहता है कोई चीज। और उसी ढंग से हैं शंकर, जब भयंकर हो जाते हैं तो सामने कुछ भी नजर नहीं आता, केवल जीत दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। और देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आते हैं। बहुत बढ़िया, कौन फर्स्ट आते हैं और कौन 1100 रुपए की राशि ले जाते हैं। फूलचंद जी फुल हौसले के साथ आए हैं तो आज अपना तोप जलाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत गजब। और बहुत अच्छी कोशिश। देखते ही देखते फूलचंद लगभग काफी हद तक का चावल समाप्ति के कगार पर कर दिए हैं और शंकर भी और फूलचंद से कम नहीं है। 10 सेकंड हुआ है अभी, आधे से ज्यादा इन लोगों का फिनिश भी हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो रफ्तार है आगे जाते हैं, हमको लगता है अनुराग 2-3 मिनट के अंदर ही बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और जो रफ्तार है बहुत अच्छी रफ्तार है, दोनों लोगों की रफ्तार बहुत अच्छी चल रही है। अब यहाँ ये देखना है कि सबसे पहले कितने मिनट कितने सेकंड में सबसे पहले किसकी थाली खाली होती है। खाली, और जिसकी भी पहले खाली होगी वही इनाम की राशि ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं जैसे कि फूलचंद इस समय पूरी तरह से पनीर को एकदम चावल में मिक्स कर रहे हैं और पनीर के पीस को बिल्कुल चूरा करके खा रहे हैं और ये ऐसे मिक्सर मशीन लगाए हैं कि पूरी तरह से मसाला मिक्स हो रहा है। बहुत सफाई से खा रहे हैं, मतलब भयंकर वाला रूप नहीं दिखा रहे अपना। अभी इनका जो है एक्सल पावर लगने ही वाला है और एक्सल पावर जब लग जाता है तो जो सामने प्रोडक्ट होता है वो खुद डर के मारे भागने लगता है कि किधर जाएं। और लग चुका है लगभग, शंकर भयंकर होने वाले हैं और इस भयंकरता को देखिए कहां तक ले जाते हैं इस बीच। और देखते हैं कितने समय में लोग फिनिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इस समय फायर चला दिए हैं और पूरी पनीर और पूरे चावल को एक भी मिक्स कर लिए हैं। अब इस लंबी लंबी वाइट मार रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस मिश्रण को देखिए कितनी जल्दी समाप्त करते हैं। और साथ में लगा हुआ है सलाद, अभी सलाद पूरी तरह से खिलखिला रहा है फूल जयंती की थाली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और आज जो बाइट ले रहे हैं फूलचंद, बहुत हाई बाइट ले रहे हैं और इसी का इंतजार था। और ये देखिए शंकर को देखिए, शंकर पूरी तरह से इस समय मिक्स कर लिए हैं, मिक्सर बना दिए हैं पूरे थाली में। शंकर को मिर्ची लग रही है आज। मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, मतलब वही गाना है आज यहाँ पर चलने वाला है कि मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो शंकर आपको कुछ नहीं करना है, केवल जीतना है। तो कैसे जीतना है अभी आप लोगों के सामने और दोनों आ जाएगा। के प्लेट में करीब करीब बराबर ही बचा हुआ है राइस शंकर के प्लेट में और फूलचंद जी के प्लेट में, बहुत अंतर हो गया है। अब देखना है इस अंतर को जीत के दर्ज में कौन हासिल करता है। बराबर ही है करीब, बहुत गजब। अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, बहुत हल्का फुल्का। और ये देखिए फूलचंद जी की जो बाइट है वो देखने लायक आज है, बहुत गजब बाइट ले रहे हैं। और शंकर जो है और बहुत लंबी बाइट के साथ लगे हुए हैं। भयंकरता इस समय आ चुकी है और इस भयंकरता को देखिए क्या अंजाम देते हैं। दोनों चैलेंजर काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बहुत हौसले के साथ दोनों चैलेंजर उतरे हैं।
और बार बार फूलचंद जी की थाली शंकर देख रहे हैं कि देखना देखो सबसे पहले थाली किसकी होती है, एक बार अपनी थाली देखते हैं, एक बार फूलचंद जी की थाली देखते हैं। यही उठक बैठक में लगी हुई है, बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते लास्ट बाइट, अभी बहुत सफाई से जिस तरह फूलचंद एकदम साफ किए हैं, शंकर की थाली उस तरह नहीं दिख रही है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत गजब। और फूलचंद जी दोनों लोगों के लास्ट बाइट लेने वाले हैं। और ये रही शंकर की लास्ट बाइट, लग गई, लेने वाले थे फूलचंद लेकिन लग गई शंकर की लास्ट बाइट। तो शंकर जी मतलब सलाद भी बिल्कुल फिनिश कर दी है, अभी फूलचंद जी के 3 पीस सलाद भी बचा हुआ है। तो 4 मिनट 26 सेकंड में बिल्कुल शंकर जी खा करके अंगड़ाई मार चुके हैं। तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और फूलचंद जी हारे हैं तो थोड़े से चावल क्या कह लीजिए, 3 स्लाइस टमाटर से। हाँ। तो क्या बात है फूलचंद जी, थोड़ी मशीन आपकी ढीली रह गई, अभी खाने में लगे हुए हैं, खाने के बाद ही बताएंगे। और शंकर जी आपका क्या रहा कि आप इतना फास्ट कैसे पूरी प्लेट इतनी बड़ी खा गए? प्लेट पानी कारण मिर्ची लग रही थी कि नहीं तीखा था, तो इसी वजह से हमको लग रहा है ज्यादा आज पानी पिए आप। तो मजा आया कि नहीं खाने में? बहुत मजा आया। हाँ, तो जैसे कि देख रहे हैं शंकर जी का जीभ एकदम पूरी तरह से बाहर चली जा रही है, एकदम भयंकरता दिखा रहे हैं। शंकर जी से तीखा चलता नहीं है। शंकर जी हाथ धो लीजिए और नाम की राशि ले लीजिए। फूलचंद जी आपको क्या कहाँ दिक्कत आई, आपकी इतना मतलब पीछे कैसे रह गए? थोड़ा सा ही पीछे थे, बिल्कुल क्लोज आके रह गए। हाँ। जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 बाहुबली बैठे थे, 2 बाहुबली में शंकर जीत हासिल कर चुके हैं और फूलचंद जी बस थोड़ा सा एक छोटी सी बाइट से हार चुके हैं, बिल्कुल क्लोज आके फूलचंद जी रह गए। तो शंकर जी पैसा मिल गया? हाँ। पूरा? तो देखिए शंकर जी अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ पैसा मिल गया है। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाया, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं, उनको नाम की राशि कैश दे दिए हैं। तो फूलचंद जी आप कहाँ थोड़े से बिल्कुल हल्के से चावल से रह गए, क्या बात रही कि थोड़ी सी स्पीड और एक्सल लगाते तो? अरे भाई आज देखिए, आज खिचड़ी का माहौल है। हाँ। इसलिए खा के हम चले थे। हाँ हाँ। मतलब घर पे जो अभी ज्यादा थोड़ी है, लूड़ी तिलवा ज्यादा खा लिए थे, इस वजह से हमको लग रहा है चैलेंज में स्पीड नहीं बना पाए। फिर भी अपना 100% दिए, थोड़ा सा ही रह गया था। तो फूलचंद जी भी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का भी धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज को समाप्त करते हैं और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस चैलेंज को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ी नहीं रही।